एवरीवन. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा था रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स इन दिस सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट जो है दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा सबसे पहला चैप्टर जिस जो है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास. और आई शुड से फाइनाइट ऑटोमेटास बिकॉज इसमें हम लोग दोनों डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास को पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक डेफिनेशन में फाइनाइट ऑटोमेटा के आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा से डेफिनेशन देने की कोशिश करूँगा बिकॉज मेरा एम है कि हर चीज़ में बेसिक से लेकर चलूँ. तो जितना बेसिक से मैं लेकर चलूँगा उतना ही आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटास, फाइनाइट ऑटोमेटास. ठीक है, अब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटास होंगे यहाँ पर. एक होगा फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, और दूसरा होगा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, विद आउटपुट. ठीक है, अब जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँगा आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए क्योंकि नोट्स बनाने से आपके लिए आसानी होगी. देखो सबसे आसान प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो देखते हैं कि हर चीज़ आपको ऑलरेडी रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाए जिससे आपको लिखना ना पड़े. इससे प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा रिटेन नहीं होगी. अब अगर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश ये रहे कि आप उस टॉपिक को अपने पास लिखेंगे या नोट्स बनाएंगे तो उससे वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन होंगी और आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं. ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट. अब इसके फर्दर दो टाइप्स हैं. पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम बोलते हैं DFA, और दूसरा होगा हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम साथ साथ में बोलते हैं NFA. तो इसके लिए हम लोग बेसिकली काफ़ी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं. कहीं पर सिर्फ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है या फिर कहीं पर NDFA यानी कि इस तरीके से भी लिखा हो सकता है. तो किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है. और फिर हमारे पास जो एक और टाइप है वो इसी की एक टाइप है जिसमें हम लोग एप्सिलॉन मूव भी दे सकते हैं. तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन NFA, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एप्सिलॉन NDFA. ओके, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर अब एप्सिलॉन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे तो वहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर कुछ और सिंबल्स भी हो सकते हैं. आप चाहे देखिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है यहाँ पर, रिकमेंडेड बुक्स आइदर यू कैन रेफर KLP मिश्रा, अगर आप इंडियन ऑथर्स में रेफर करना चाहते हैं तो KLP मिश्रा बुक है. एक बुक है पुंटम बेकर, वो यूनिवर्सिटीज लेवल की बुक है तो आप वो दोनों भी रेफर कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड ऑथर्स रेफर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप पीटर लिंस रेफर करें, तो पीटर लिंस के अंदर काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई है. अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बुक्स को रेफ़र कर रहे हैं तो इनमें जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप साथ साथ सॉल्व करते चलिए जिससे आपको आसानी होगी हर कॉन्सेप्ट को समझने में. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है और दूसरा हम लोग एक इनफॉर्मली हर चीज़ को बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाते हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को आप जनरली किसी फाइनाइट ऑटोमेटास को आप इन टपल से शो कर सकते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ टपल विच इज क्यू समीशन क्यू नॉट डेल्टा एंड एफ. तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन है. अगर आपको कहीं पर भी पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तो यू कैन से द फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी डिफाइंड बाय द टपल क्यू समीशन क्यू नॉट डेल्टा एंड एफ. क्यू की डेफिनेशन, समीशन की डेफिनेशन, क्यू समीशन क्यू नॉट एंड एफ, इन चार चीज़ों की डेफिनेशन हर तरह के ऑटोमेटा के लिए सेम है, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो. हर केस में आपके पास समीशन क्यू क्यू नॉट डेल्टा एंड एफ सेम रहेगा, लेकिन जो चेंजेस आएंगे वो हमारे पास डेल्टा यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन में आएंगे.
तो ये सब चीज़ें होती क्या है. फॉर डोमेस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डेफिनेशन इज DFA कैन बी डिफाइंड एज Q समीशन Q नॉट डेल्टा एन एफ वेयर Q is representing non-empty set of states. Q is representing non-empty set of states. ठीक है. Summation is representing non-empty set of input alphabet. Next, Q naught is representing initial state, and it is also non-empty, right? And secondly, देखो जब मैं यहाँ पर Q और submission के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने बात करी है set की. Set का मतलब है we can have more than one elements. Set का मतलब है कि आपके पास एक से ज़्यादा elements हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक से ज़्यादा states हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा input alphabet हो सकते हैं. लेकिन जब मैं Q नॉट की बात करी है तो Q नॉट के अंदर कोई भी सेट वर्ड नहीं है, यानी कि Q नॉट आपके पास सिर्फ सिंगल एक एलिमेंट होगा, यानी कि सिर्फ एक ऐसी स्टेट होगी जो कि आपकी इनिशियल स्टेट कहलाई जाएगी. एक से ज़्यादा स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट्स नहीं होगी. ठीक है. डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन. अब ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है, सिर्फ इस ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है इफ़ यू आर हैविंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और यू हैव मिलियन मोरे मशीन विच आर आउटपुट विद आउटपुट. ओके, सिर्फ इस डेल्टा की डेफिनेशन चेंज होती है, अदरवाइज सभी डेफिनेशन आपके पास सेम रहती है. ठीक है. अब यहाँ पर डेल्टा की डेफिनेशन क्या होगी. डेल्टा क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई स्टेट क्यू है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट क्यू पर हो, इस पर्टिकुलर स्टेट क्यू के अंदर यू कैन सी एनी इनपुट सिंबल, आपके पास जो भी इनपुट सिंबल होंगे, तो हम आपको एक ट्रांजिशन देंगे जो कि आप इसी सेट ऑफ स्टेट में से ही होंगे. कहने का मतलब क्या है, मैं आपको रिप्रेजेंट अभी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी. सो दिस आर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ स्टेट्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन. ओके, मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन है क्या, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है इसी वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी. लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. और जब मैं एफ की बात करता हूँ, नाउ दिस एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पर जब मैंने एफ में बोला तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड नॉन एम्प्टी का यूज़ नहीं किया. ये जो नॉन एम्प्टी वर्ड है, मैंने क्यू समीशन के साथ मैंने नॉन एम्प्टी का वर्ड का यूज़ किया, लेकिन एफ के साथ मैंने नॉन एम्प्टी वर्ड का यूज़ नहीं किया. ठीक है. और नॉन एम्प्टी वर्ड का यूज़ मैंने डेल्टा के साथ भी नहीं किया, क्योंकि डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन, यानी कि वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. लेकिन एफ जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेट एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है. ठीक है. तो हमारे पास क्यू एंड समीशन आर नॉन एम्प्टी सेट. क्यू नॉट इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सेट, बट इट इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट. इट कैनॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट्स. एंड वी हैव डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन एंड एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. अभी ट्रांजिशन फंक्शन क्या बोलता है. ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पर यह बोलता है कि अगर आपके पास ये एक सेट ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे क्यू एक सेट ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, इस सेट ऑफ स्टेट्स में कुछ भी स्टेट हो सकती है. हमारे पास स्टेट है क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, इस तरीके से आपके पास कुछ भी स्टेट्स हो सकती हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट विच इज समीशन. एज्यूम आपके पास दो अल्फाबेट है विच इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फिर से यही सेट क्यू विच इज हैविंग क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड सो ऑन. ठीक है. अब जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्यू क्रॉस समीशन टेक्स अस टू क्यू, इट मीन्स आप किसी एक स्टेट पर हो, आपने एक सिंबल को देखा तो आपने एक ट्रांजिशन ले लिया. इसी स्टेट पर आपने दूसरे सिंबल को देखा, आपने कोई और ट्रांजिशन ले लिया. इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, आपने चेक किया कि जो पहला सिंबल आपको मिल रहा है ए, तो क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपको ए मिला तो आप किस स्टेट पर जाएंगे. उसी तरीके से अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, यहाँ पर आपको सिंबल बी मिला, तो आप किस स्टेट पर जाएंगे. तो ये जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन फंक्शन है, वो हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि इस केस में अगर मैं बोलता हूँ, इस केस का मतलब क्या है, डेल्टा अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर है, आपने सिंबल ए को देखा, तो आप स्टेट क्यू वन पर गए. उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे, डेल्टा अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर है और आपने सिंबल बी को देखा, तो आप क्यू वन स्टेट पर गए, क्यू नॉट स्टेट पर गए. ठीक है. तो इस तरीके से हर एक स्टेट के लिए विल बी हैविंग सम ट्रांजिशंस, और ये ट्रांजिशंस कौन डिफाइन करेगा, ये ट्रांजिशन ये डेल्टा फंक्शन डिफाइन करेगा कि ये ट्रांजिशंस क्या होंगे.
ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का. उस एग्जांपल के साथ मैं आपको ये डिफाइन करूँगा कि ये ट्रांजिशन फंक्शन एक्चुअल में है क्या, हम किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ करते हैं और क्या क्या अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं. जैसे कि ट्रांजिशन फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकती हैं, बिकॉज ऑल दिस आर मैथमेटिकल फंक्शन. कई जगह पर इसको आप ऐसे भी चेक करेंगे कि आपको अगर ये जो ट्रांजिशन है ये इस तरह से दिया हो सकता है डेल्टा क्यू नॉट कमा ए, और यहाँ पर आपको एक इस तरह का सिंबल मिलेगा और वो बताएगा कि आप कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं. ठीक है. अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल है क्या, इस सिंबल से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब मैं आपको भी बताने वाला हूँ. तो इस अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ. उस नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, सिंपल एक एग्जांपल लूँगा फाइनाइट ऑटोमेटा का. उस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊँगा कि हम ट्रांजिशन फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, और साथ साथ में उसी एग्जांपल में आपको बताऊँगा कि हमारे पास ट्रांजिशन टेबल क्या होती है, हम ट्रांजिशन टेबल को कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग.